नमस्कार, एस्ट्रो बेसिक में आपका स्वागत है। मैं जयंत कुमार, आपका होस्ट एस्ट्रो बेसिक चैनल से। एक्चुअली मुझे बहुत सारे मेल आए जिसमें ये पूछा गया है कि कार्मिक लेसन नंबर और कार्मिक डेप्ट नंबर में क्या डिफरेंस है और बेसिकली ये क्या सिग्निफाई करता है, क्या महत्व है इन दोनों का। तो चलिए मैं क्विकली बताता हूँ कि ये दोनों नंबर हैं क्या और कहाँ पे ये नंबर आते हैं। तो सबसे पहले कार्मिक लेसन नंबर, ये नंबर आपको बताता है कि आपको किस एरिया में इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, कौन सा आपका एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, कहाँ पे आप लैक करें, कहाँ पे आप पीछे हैं, किस जगह आपको ज़्यादा एनर्जी लगाने की ज़रूरत है ताकि आपकी जर्नी आसान हो। ये नंबर आपके नेम नंबर कैलकुलेशन में आता है, मतलब कि एक्सप्रेशन नंबर कैलकुलेशन में आता है। मतलब जो नंबर आपके एक्सप्रेशन नंबर कैलकुलेशन में मिसिंग है उस नंबर को कार्मिक लेसन नंबर कहते हैं। तो आपके पास एक से ज़्यादा कार्मिक लेसन नंबर हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी का कार्मिक लेसन नंबर 7 है तो उसे सजेस्ट किया जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान दें, मतलब आध्यात्म की ओर बढ़ें, अपने आप से कनेक्ट होने की कोशिश करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको चैलेंज और वो एरिया बेसिकली आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है जहाँ अपने आप से आप अलाइन नहीं हो पा रहे और जिसके कारण आप डिस्टर्ब रहते हैं। तो ये कार्मिक डेप्ट नंबर क्या है? बेसिकली कार्मिक डेप्ट नंबर के बारे में कहा जाता है कि न्यूमरोलॉजिस्ट ऐसा विश्वास करते हैं कि ये जो अपना सोल है ये रीबर्थ फिर से जन्म लेता है, पुनर्जन्म लेता है। और एच पर देयर कर्मा, मतलब कि आपने पिछले जन्म में कैसा काम किया है, कर्म किया है, उसके अनुसार आपको इस जन्म में फल भोगना पड़ता है। मतलब कि अगर आपने अच्छा किया है तो आपको अच्छा फल मिलेगा, अगर आपने कोई गलत काम किया है और अगर आपने वो चीज़ पिछले जन्म में अपना पूरा नहीं किया है, उस बुरे कर्म का फल अगर आपने नहीं भोगा है, तो आपको इस जन्म में वो एज ए चैलेंज या बर्डन आपको आता है। तो कार्मिक डेप्ट नंबर उसी को कहते हैं। अगर आप, ये चार तरह के नंबर होते हैं, 13, 14, 16 और 19, ये चार नंबर अगर आपके कोर नंबर में आता है, मतलब कोर नंबर किसको कहते हैं, कोर नंबर 5 डिफरेंट टाइप के नंबर्स को कोर नंबर कहते हैं, जैसे लाइफ पाथ नंबर, बर्थडे नंबर, एक्सप्रेशन नंबर, पर्सनालिटी नंबर, हार्ट डिज़ायर नंबर। ये 5 नंबर में से किसी में भी कैलकुलेशन में अगर ये नंबर 13, 14, 16 और 19 आता है, इनमें से कोई भी नंबर आता है, मतलब आपके ऊपर कार्मिक डेप्ट है। मतलब ये आपको एक यूनिक टाइप का बर्डन और चैलेंज क्रिएट करेगा आपके लाइफ में। जैसे मान लीजिए अगर किसी का कार्मिक डेप्ट नंबर 13 आता है तो ये आपको क्या करेगा, ये आपको हार्डवर्क कराएगा, ये आपको फोकस करने नहीं देगा एक जगह पर। आपका जो इनर्जी है वो बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड रहेगा, बिखरा हुआ रहेगा, जिसके कारण आप बहुत जगह हाथ पैर मारेंगे लेकिन आपको सक्सेस जल्दी नहीं मिलता। तो आपको क्या करना है, ये आपको अपने अंदर फोकस डेवलप करना है। आप जितना फोकस रहेंगे आप उतना ज़्यादा सक्सेस जल्दी पाएंगे, क्योंकि ये कार्मिक डेप्ट नंबर के अनुसार आपका फोकस को लैक कराता है। तो आप न्यूमरोलॉजी के थ्रू आप जान सकते हैं कि आपको किस एरिया में किस तरह का काम करना है। तो ऐसे ही 14 का एक अलग कैरेक्टरिस्टिक है, 16 का अलग है, 19 का फिर अलग है। 19 वाले के लिए होता है कि आपका लोग जो है हर जगह समझते हैं कि मैं ही मैं हूँ, लोग दुनिया के जितने लोग हैं वो सोचते हैं कि सब उन्हीं को देख करके काम कर रहे हैं, सब चीज़ में वो मैं ऐसा फील करते हैं। नतीजा ये होता है कि कुछ दिन बाद वो हर एरिया में, या तो परिवार रहे या जॉब रहे या ये, हर जगह वो अकेला फील करने लगते हैं, उनको लगता है कि उसके साथ कोई खड़ा नहीं है। उस तरह के लोगों को सजेस्ट किया जाता है कि वो जितने भी लोग हैं, इनफैक्ट पर्टिकुलरली खास करके जो उनसे नीचे तबके के लोग हैं सोशली या इकोनॉमिकली, जो वो समझते हैं कि ये उनसे नीचे हैं, खासकर उनको ज़्यादा कनेक्ट करने की ज़रूरत है और उससे वो ऐसे ही बिहेव करें जैसे कि वो चाहते हैं कि लोग उनसे बिहेव करते हैं। वो जितना उनसे कनेक्ट होंगे, जितना एज ए ह्यूमन इंसान जिसको कहते हैं अगर कनेक्ट होंगे, वो उतना ही उनके लिए वो नंबर मदद करेगा उसके बुरे प्रभाव को ख़त्म करने में। वैसे ही 14 का अपना होता है, 16 का अपना होता है। तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो में कि ये क्या है। लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि आपका कार्मिक लेसन नंबर क्या है तो आप
एक वीडियो मैंने बनाया हाउ टू कैलकुलेट एक्सप्रेशन नंबर, पर्सनालिटी नंबर एंड हर्ट डिज़ायर नंबर, आप वो देखिए, उसमें आपको नेम नंबर कैलकुलेशन का मेथड पता चलेगा और उसमें आपको पता चलेगा कि आपका कार्मिक लेसन नंबर क्या है और एक कोर, व्हाट इज़ कोर नंबर और हाउ टू कैलकुलेट लाइफ पाथ नंबर इन मास्टर नंबर समथिंग, इस तरह का एक वीडियो है। सब्जेक्ट लाइन आप सर्च कर सकते हैं मेरे मतलब प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, तो इसमें आपको पता चलेगा कि कार्मिक डेट नंबर कैसे आता है। और मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको ये सब नंबर नहीं पता और आप नहीं श्योर हैं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका क्या मीनिंग है, तो मैंने रिसेंटली लास्ट वीक ही न्यूमरोलॉजी सॉफ्टवेयर बनाया है जिसमें आपके 11 तरह के 11 टाइप ऑफ डिफरेंट नंबर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ के लिए, जैसे लाइफ पाथ नंबर, बर्थडे नंबर, कार्मिक लेसन, कार्मिक डेट, पिनाकल चैलेंज, पर्सनल ईयर नंबर 2016-2017 कैसा रहेगा, ये सारे नंबर का एनालिसिस आपके डिटेल के अनुसार एक जगह पे आपको रिपोर्ट में मिलेगा। तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप एक बार उस रिपोर्ट को ज़रूर पढ़ें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है या फिर आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए इसमें से किसी भी टॉपिक के लिए, तो आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.astrobasic.com। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब बटन इसके नीचे है या फिर वहाँ छोटा टाइनी आइकन दिख रहा होगा आपको, उस पर आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन रिलेटेड टू आपके लाइफ का या एस्ट्रोलॉजी कंसल्टिंग जिसको कहते हैं, तो आप मेरे आस्क क्वेश्चन सेक्शन में मेरे वेबसाइट पे जाके अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। सो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। Gives you the roadmap of your life. So suppose if you are going to some place and you don't know where to go, what to see. Suppose you went to some place. So it's like if you go to some place and you don't have a map, so you don't know what are the things to see, what are the things to do.